हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। गाइस, आज हम लोग 4 सितंबर जेईई मेंस 2020 का शिफ्ट 1 का पेपर का एनालिसिस करेंगे। इस पेपर में हम लोग बताएंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट टफ था, इजी था, मॉडरेट था एंड क्या कट ऑफ हो सकता है, एंड जो पिछला 4 शिफ्ट का पेपर हुआ है उसके रेस्पेक्ट में पेपर कैसा है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखना, आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और हम लोग आइडियल स्कोर भी बताएंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग ये सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स जो है इजी टू मॉडरेट था, फिजिक्स का पेपर इजी टू मॉडरेट था, इसमें कुछ कैलकुलेशंस थे, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आ रहा है, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा थे, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस कम थे, यानी फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस नेग्लिजिबल थे। कल या परसों का जो पेपर था उसमें कुछ फॉर्मुला बेस्ड भी क्वेश्चंस थे, लेकिन आज का जो फिजिक्स का पेपर है इसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था, यानी जिसने भी फॉर्मूले पर ज्यादा पकड़ बना के किया है उसके लिए थोड़ा पेपर डिफिकल्ट था। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिजिक्स में, ठीक है। केमिस्ट्री पेपर वेरी इजी था, जैसा कि सभी लोगों ने बोला, एंड केमिस्ट्री अभी तक का जो 5 शिफ्ट का पेपर हुआ है उन सभी में केमिस्ट्री बहुत इजी आया है। तो बच्चों, जो केमिस्ट्री का चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उससे आज कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस था, एंड ये चैप्टर को बहुत बच्चे मिस कर देते हैं, इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस थे यार। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैथ्स का पेपर था वो मॉडरेट था, हालांकि 10-15 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, लेकिन बाकी कुछ क्वेश्चंस जो थे लेंथी भी थे, यानी मैथ्स का क्वेश्चन लेंथी भी था। तो डियर फ्रेंड्स, आज जो 4 सितंबर का शिफ्ट 1 का पेपर है, ये पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल में है, एंड 3 सितंबर एंड 2 सितंबर से रिलेटिवली इजी था। तो आज के पेपर में कट ऑफ ज्यादा जाएगा एज कंपेयर टू जो 3 सितंबर का शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 का पेपर था। साथ ही इसमें आप देख सकते हो कि जनवरी अटेम्प्ट से भी पेपर जो है इजी आ रहे हैं, यानी जनवरी अटेम्प्ट से रिलेटिवली इजी आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का पेपर में 45 क्वेश्चन काफी अच्छा स्कोर है, ठीक है। अगर किसी ने 50 भी हो रहा है तो वो और ज्यादा हो जाएगा, बट 45 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर रिलेटिवली इजी था। तो कहीं ना कहीं कल या परसों के रेस्पेक्ट में जो पेपर हुआ था उसके रेस्पेक्ट में कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक का जो केमिस्ट्री का पेपर है वो ऑलमोस्ट इजी आया है, अभी तक का पेपर जो है जनवरी के रेस्पेक्ट में इजी आ रहा है, मैथ्स मॉडरेट टू टफ लेवल में चल रहा है, फिजिक्स भी मॉडरेट लेवल में चल रहा है, एंड साथ ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट 75% के आसपास अपीयर हो रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा आज का एनालिसिस, आगे जो भी अपडेट्स आएगा हम लोग इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप ये सेशन को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर जरूर कर देना, एंड ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।